कोरोना काल के चलते भूतनाथ बैली पुल को ठीक करने का कार्य शुरू नहीं हो पाया। कुल्लू के ब्यास नदी पर बने भूतनाथ डबल लेन ब्रिज को ठीक करने के लिए प्रदेश सरकार से हरी झंडी पहले मिल गई थी। करीब 3.25 करोड़ रुपए से इस ब्रिज को ठीक किया जाएगा। 10 करोड़ रुपए की लागत से बने इस ब्रिज को ठीक करने का कार्य फ्रांस की नोएडा वेस्ट कंपनी MS फ्रेसिनेट मेनार्ड इंडिया करेगी। कुल्लू की व्यास नदी पर बने भूतनाथ पुल को ठीक करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से हरी झंडी काफी पहले मिल गई है। विभागीय अधिकारियों की माने तो 1 सप्ताह के भीतर पुल का कार्य शुरू हो जाएगा। पुल ठीक करने का कार्य फ्रांस की एक कंपनी को दिया गया है। बता दें कि आधुनिक तकनीक से बनाए गए बैली ब्रिज को तैयार करने में विभाग और कॉन्ट्रैक्टर ने 8 वर्ष लगाए थे। इस पुल का शिलान्यास 11 मई 2005 को और उद्घाटन 19 अक्टूबर 2013 को हुआ था। अभी पुल को 6 साल भी नहीं बीते थे कि इसमें दरारें पड़ गई और बीच का हिस्सा झुक गया। तब से अब तक पुल पर वाहनों की आवाजाही बंद है। लोक निर्माण विभाग कुल्लू डिवीजन के एक्सिन SK धीमान का कहना है कि अगस्त माह में कंपनी पुल का कार्य शुरू कर देगी। उन्होंने कहा कि कंपनी के 2 सदस्य 25 दिसंबर से कुल्लू में हैं। उन्होंने कहा कि अगर कुल्लू में पुल बनाने के लिए मजदूर नहीं मिल पाए तो बाहरी राज्यों से मजदूरों की व्यवस्था की जाएगी। SK धीमान ने कहा कि पुल का कार्य 3 माह के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा। भूतनाथ ब्रिज का जो प्लेटफार्म की जो है वो हमने ड्राइंग्स जो है वो चीफ ऑफिस से अप्रूव करवा के संबंधित कंपनी को दे दिया और उन्होंने जो है उस प्लेटफार्म का जो कार्य का फैब्रिकेशन का कार्य है वो दिल्ली में वो कर रहे हैं। तो अभी जो है वो हम उनसे लगातार टच में हैं। वो फर्स्ट वीक में जो है वो उसको जो है वो जहाँ पर फैब्रिकेटेड मटेरियल को जहाँ पर पहुँचवा देंगे उसके बाद जो है वो काम शुरू हो जाएगा। स्टाफ मेंबर यहीं पर है 25 दिसंबर से। उन्होंने एक रेजिडेंशियल अकोमोडेशन जहाँ पर ले रखी है तो वो तो वहीं रह रहे हैं। तो जैसा वो अब उनकी वैसे तो कोशिश वो उनकी यही है कि हमारे को कुछ अभी अनस्किल्ड लेबर अगर यहीं से अरेंज हो जाती है तो क्वारंटाइन का चक्कर नहीं पड़ेगा। अदरवाइज जहाँ नहीं मिलती है तो फिर वो जो उन्होंने अकोमोडेशन रखी है जहाँ उसमें जा फिर जो गवर्नमेंट के जो है वो संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर उसमें जो है उनको जो एज़ पर गवर्नमेंट के रूल है उसमें वो रखे जाएंगे। कैसे शुरू होगा उसके 3 महीने में इसको जो है वो कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया और 3 महीने में पूर्ण होगा। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।